And welcome back to SK1 Kesanwa, back again with JEE Advanced 2023 and we'll continue solving some more questions. So, यहाँ पे अब हम लोग अपना पहला question देख लेते हैं for today's video. And that is कि a thin conducting rod MN of mass 20 gram, length 25 cm, resistance 10 omega is held on frictionless, long, perfectly conducting vertical rails as shown in the figure. There is a uniform magnetic field B naught equals 4 Tesla. Directed perpendicular to the plane of the rod rail arrangement. The rod is released from rest at time t equals 0 and it moves down along the rails. Assumed air drag equals is negligible. Mark each quantity in list 1 with an appropriate value from list 2 and choose the correct option. Given the acceleration due to gravity g equals 10 meter per second square and e power minus 1 equals 0.4. So, ye hamara question hai and is question mein agar dekhe to ek figure banaya gaya hai. What is the figure? It is shown something like this कि आपके पास दो long parallel rails हैं, जिसमें आपने क्या किया है? एक basically rod यहाँ पे hang किया गया. In fact, it is not hang. ये move करने start करता है at time t equals zero. T equals zero मान लो, ये rod move करने start करते हैं and throughout this area, आपको throughout this area मिलेगा कि एक perpendicular, directed perpendicular magnetic field. ये कहाँ पे है? ये बाहर आ रही है, as you can see in the figure. This is the indication कि ये जो field है ये बाहर आ रही है. मतलब यहाँ पे आपके पास इस direction में एक magnetic field है. इस direction में एक magnetic field है. आपको पता है कि जब ये basically नीचे जाएगा, जैसे ये rails ना, जैसे ये rod MN नीचे जाएगा, this rod is told to be MN, तब obviously हमें पता है कि since यहाँ से magnetic flux change होगी through this given area. इस एरिया से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी. जब इस एरिया से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, क्या होगी? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? ये वाला एरिया इंक्रीज करेगा, तब यहाँ से और फील्ड लाइंस इंटर करेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर करेंगे, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेंगे. तब लेंज लॉ कहता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करने के लिए रोकने के लिए क्या होगा? इसके थ्रू एक करंट फ्लो करेगी. जब ये करंट फ्लो करेगी, ऐसे डायरेक्शन में फ्लो करेगी कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की बेसिकली लाइंस होंगी, वो जो फ्लक्स होगी, वो उसे इंक्रीज या डिक्रीज करने से रोकेगी. इंक्रीज डिक्रीज करने से रोकेगी, यहाँ पे इंक्रीज करेगी. इसे रोकने के लिए ये ऑपोजिट डायरेक्शन में इसकी फील्ड डायरेक्टेड होगी. मतलब आपके पास करंट के डायरेक्शन ऐसे होने चाहिए कि इसके जो इंड्यूस्ड फील्ड है वो अंदर होगी. कैसे? अगर इंड्यूस्ड फील्ड अंदर है तो हमें पता है यहाँ पे करंट बेसिकली क्लॉकवाइज जाएगा. तो इस डायरेक्शन में एक करंट फ्लो करेगा जब ये नीचे जाएगा. यहाँ पे जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ठीक है. एयर ड्रैग को नेग्लेक्ट करना है, लेकिन सिंस यहाँ पे एक करंट जा रहा है तो ये सीधे जी से एक्सेलरेट नहीं होगा. यहाँ पे करंट जा रहे, पूरे मैग्नेटिक फील्ड है, करंट इंड्यूस्ड है, लेकिन फिर भी एक फोर्स तो फील करेगा. ये फोर्स बेसिकली वेक्टर डी एस, आई वेक्टर डी एस क्रॉस में वेक्टर बी हो जाएगा. मतलब ये फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फोर्स आपको दिख रहा है. मतलब ये फोर्स भी इसे बेसिकली अपोज कर रहा है नीचे गिरने से. तो दैट फोर्स इज आल्सो अपोजिंग दिस एक्सेलरेटिंग मोशन. तब ऐसा कुछ हमें गिवन है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज गिवन है. इसकी जो रेजिस्टेंस है 10 ओमेगा की है. 10 ओम इज द रेजिस्टेंस. लेंथ गिवन है इसकी, ये लेंथ है 25 सेंटीमीटर. एंड इसका जो मास है, मास क्या बताया गया है? 20 ग्राम. ये वैल्यूज हमें बताई गई हैं. एंड ये जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी पॉइंट पे, आपको 4 टेस्ला ये वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की. तो इतनी बेसिकली इंफॉर्मेशन गिवन है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. एंड एक और वैल्यू ई पे पार माइनस 1 क्या बताया गया है? इट इज 0.4. तो यहाँ पे वेयर दिस टर्म विल बी यूज, वो हम लोग सॉल्यूशन में देख सकते हैं कि कहाँ पे ये टर्म यूज होगा. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली अब देखो, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 में डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स एंड वैल्यूज हैं. जैसे लिस्ट 1 में एट टी इक्वल 0.2 सेकंड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वोल्ट एंड क्यू इज गिवन टू बी एट टी इक्वल 0.2 सेकंड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स इन न्यूटन. स्टेटमेंट आर एट टी इक्वल 0.2 सेकंड्स द पावर डिसिपेटेड एज हीट इन वॉट एंड एस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द रॉड इन मीटर पर सेकेंड. लिस्ट 2 में वैल्यूज गिवन है, दिस इज 0.07, 0.14, 1.20
0.12 एंड 2.00 इन वैल्यूज से हमें मैच करने विद व्हाटएवर स्टेटमेंट्स एंड व्हाटएवर क्वांटिटीज लिस्ट 1 में बताई गई हैं। और एंड यहां पे एग्जैक्टली ऐसे मैच नहीं करने हैं, आपको सेलेक्ट करने हैं। कैसे सेलेक्ट करने हैं? ए बी सी डी ऑप्शंस गिवन है, जैसे पी का 5 क्यू 2 आर 3 एस 1 एंड बी में आप देख सकते हो पी में 3 मैच होगा क्यू 1 आर 4 एंड एस 5। सो दिस इज बेसिकली दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो यहां पे हम लोग को हमारी मेन क्वांटिटीज ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, मैग्नेटिक फोर्स है, पावर डिसिपेटेड एज हीट है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो इन्हें सॉल्व कैसे करें? इंड्यूस्ड ईएमएफ ओनली अगर आप देखते हो तो ये क्या होगा, ये तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा डी फाइव बी ओवर डी टी होता है। क्या आप डी फाइव बी ओवर डी टी निकाल सकते हो? हाउ विल यू फाइंड डी फाइव बी ओवर डी टी? इसे हम लोग कुछ ऐसे निकालते हैं, दिस विल बी बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो मैंने इसे बाहर ले लिया, डी ऑफ कैपिटल ए ओवर डी टी, वेयर कैपिटल ए विल बी एरिया ऑफ दिस थिंग। इसका एरिया क्या होगा? इसकी लेंथ टाइम्स में ये जो भी टर्म है, ये मान लो एक्स है, ये मैंने एक्स मान लिया, तो एक्स टाइम्स में इसकी लेंथ कैपिटल एल। लेंथ तो कॉन्स्टेंट है, चेंज हो नहीं रहे, ये जो सेपरेशन है ये चेंज हो रहा है किससे? इसकी बेसिकली किसी भी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी से। तो किसी भी इंस्टेंट पे इसका जो ईएमएफ होगा, यहाँ पे जो बेसिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा किसी भी इंस्टेंट पे, इट विल बी बी टाइम्स एल टाइम्स में द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस थिंग एट दैट इंस्टेंट, मतलब वी हो गया उस इंस्टेंट की वेलोसिटी पे, ये मेरी इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गई। लेकिन अगेन उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी चाहिए, 0.2 पे निकालने, तो 0.2 पे वेलोसिटी क्या है? तो मैं यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ यूज करता हूँ, सिग्मा एफ वाई इक्वल्स एम जी माइनस में बेसिकली क्या हो गया, ये जो फोर्स होगा, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स कितना एग्जर्ट होगा, मैग्नेटिक फोर्स आई कैपिटल एल टाइम्स में बी क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो आई एल बी हो गया इक्वल्स क्या, इक्वल्स एम डी वी बाई डी टी। अब I क्या होगा, एप्सिलॉन बाई आर, मतलब I को मैंने लिख दिया बी एल बी बाई आर, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर दिस टर्म इक्वल दिस टर्म, तब मैं करूंगा क्या इज कि एम जी माइनस में मैंने लिख दिया, यहाँ पे I को मैंने बी एल वी ओवर आर लिखा, तो ये हो गया बी एल वी ओवर आर। यहाँ पे आप देख सकते हो किससे मल्टीप्लाई हुआ, ए मल्टीप्लाई हो गया डी एल से, किसके इक्वल आया एम डी वी बाई डी टी। तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे दो आपके डिफरेंशियल्स मिलेंगे, एक डीवी एक डीटी, तो इंटीग्रेट हो सकते हैं फ्रॉम दिस वैल्यू ऑफ टाइम टू दैट वैल्यू ऑफ टाइम, यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हो एंड विल सॉल्व ऑल दैट स्टफ। लेकिन ये इंटीग्रेट करें कैसे, तो व्हाट वी कैन बेसिकली डू इज इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने बेसिकली यहाँ पे आपको बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर दिख रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे स्क्वेयर हो जाएगा, ये टर्म हट जाएगा, मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया पूरे इक्वेशन में आर से, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर से, अब यहाँ पे एम जी आर ओवर बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर हो गया, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर, इससे यहाँ पे आर से ये कैंसिल हो गया, एंड तब यहाँ पे सिंस मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका एक एम आर बाई में बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर। तो आपको यहाँ पे मिल क्या रहे, एम जी आर ओवर बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर माइनस में क्या हो गया, माइनस में बी हो गया इक्वल्स एम जी आर ओवर बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर डी वी ओवर डी। तो यू आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस राइट, यहाँ पे इनफैक्ट एक जी नहीं है, यहाँ पे एम जी आर ओवर बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर, यहाँ पे एम आर ओवर बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर। अब इसमें हम लोग करते क्या है, अब इसमें आई कैन टेक दिस एंटायर थिंग ओवर हियर, इस चीज को इधर कर देता हूँ एंड व्हेन आई डू दैट तो ये इधर हो गया अलोंग विथ दिस डीटी, क्योंकि इसी से इंटीग्रेट करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करना है, तो यू विल हैव बी स्क्वायर एल स्क्वायर ओवर में आपके पास एम आर इंटीग्रल हो गया डीटी का, जीरो से टी तक मैं कर रहा हूँ, ये चीज बेसिकली ये पूरा टर्म इधर आ गया क्योंकि इसमें वी है, तो व्हेन आई डू दैट इट इज डी वी ओवर में क्या हो गया एम जी कैपिटल आर ओवर में ये हो गया बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर एंड फिर माइनस में आपको एक वी दिखेगा, ये कहाँ से जीरो से वी तक। तो इफ आई डू दिस पर्टिकुलर थिंग, इनफैक्ट दिस मार्कर इजंट वर्किंग प्रॉपरली तो आई विल टेक अनदर, तब यहाँ पे अगर आप इसको इंटीग्रेट करते तो ये तो सीधे सीधे इंटीग्रेट हो गया जीरो से टी तक, तो पहले से हम लोग टी के टर्म्स में लिखेंगे, वैल्यूज नहीं पुट करेंगे यहाँ पे। अब मैं क्या कर देता हूँ, इस चीज की वैल्यू निकालता हूँ एंड इस चीज की वैल्यू निकालता हूँ, एंड व्हेन वी डू दिस तो बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर ओवर में एम आर है क्या, विल ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस थिंग। अगर वैल्यूज देखा जाए तो बी बेसिकली 4 टेस्ला बताया गया है, लेंथ क्या है आपकी 25 सेंटीमीटर, मतलब 1/4 मीटर,
तो ये तो बेसिकली ऊपर वाला टर्म वन हो गया, क्योंकि इट इज 4 इंटू 4, इट इज 1 बाई 4 इंटू 1 बाई 4। एम इंटू आर क्या है? एम अगर आप देखते हो 20 ग्राम है, मतलब इसको आपने 20 इंटू 10 पे पावर माइनस 3 लिख दिया। इंटू में आपने क्या किया, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बताई गई थी दैट इज 10 ओमेगा। तो ये आपको बेसिकली क्या मिल रहा है, यहाँ से ये माइनस 1 में हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 0.25 आपको ये वैल्यू मिल रही है। दिस वैल्यू इज 5 विद वॉट एवर यूनिट्स, ठीक है। अब ये वैल्यू 5 है, ये वैल्यू क्या है, एम जी आर ओवर में क्या, बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर। अगेन बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर तो 1 के इक्वल है, हमें निकालना क्या है, एम जी आर निकालना है। तो एम जी आर क्या निकलेगा, ये इस बार अगर आप इस टर्म को देखते हो तो दिस विल बी 20 इंटू 10 पे पावर माइनस 3 इंटू में 10 इंटू में 10 एम वाला आ गया डिवाइडेड बाई में 1 जो कि 2 के इक्वल है। तो दिस वैल्यू इज 2, मतलब 5 टाइम्स में t इक्वल्स इंटीग्रल 0 से v तक dv ओवर 2 माइनस v। इसका क्लियर सा आप देख सकते हो इंटीग्रल क्या है, 5t इक्वल्स एक माइनस में आ गया नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस में v डिवाइडेड बाई 2, यही इसकी बेसिकली इंटीग्रल होगी। अगर ये इसके इंटीग्रल है, इट इज नॉट v, इट इज 2, तब वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या होगी, इट विल बी इक्वल टू, यहाँ से ये 2 देख सकते हो, टाइम्स में मॉड ऑफ 1 माइनस e पे पावर माइनस 5t। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। अब यहाँ पे अगर अपने स्टेटमेंट्स देखते हैं तो क्या है, एट t इक्वल्स 0.2 सेकंड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वोल्ट। तब t इक्वल्स क्या निकालने, 0.2 पे मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये क्लियरली वेलोसिटी से निकलेगा। तब इस इंस्टेंट पे मुझे वेलोसिटी फाइंड करना है, एज 2 टाइम्स में मॉड ऑफ मेरा हो गया 1 माइनस 5 टाइम्स में 0.2 ये 1 हो गया। तब यहाँ पे e पर माइनस 1 0.4 गिवन था 0.4, तब ये आ क्या जाएगा 1 डॉट, अगर यहाँ पे देखते हो तो 0.6 है, दिस इज 1 डॉट में 2 मीटर पर सेकेंड आपकी यहाँ पे वेलोसिटी आ गई। अगर आपकी वेलोसिटी यहाँ पे 1.2 मीटर पर सेकेंड की इक्वल है, तब बी टाइम्स तो एल अगेन 1 के इक्वल है, क्योंकि बी क्या है 4 टेस्ला है, लेंथ इज 25 सेंटीमीटर, मतलब 1/4 मीटर। तब यहाँ पे आपके इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड वोल्टेज क्या है 1.2 के इक्वल है, इसे मल्टीप्लाई करने से। तो ये आपके 1.2 हो गए। तब पी जो है कि इस बेसिकली इंस्टेंट पे इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसको अगर हम लोग मैच करें लिस्ट सेकंड से, तो 1.2 थर्ड गिवन है, मतलब पी का आपको पता चल गया 3 होगा। पी की वैल्यू क्या होगी, पी बेसिकली थर्ड से मैच होगा। अब इसमें देखा जाए तो मैग्नेटिक फोर्स हमें निकालना है जो कि आई एल बी के इक्वल है। अब मैग्नेटिक फोर्स आई एल बी के इक्वल है, आई को मैंने क्या किया एप्सिलन ओवर आर कर दिया, तो मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकलेगी, 1.2 ओवर में क्या, ओवर में आर अगर मैं देखता हूँ तो दैट इज रेजिस्टेंस 10 इंटू में, अब ये क्या है, ये एल बी है जो कि हमें अगेन पता है कि 1 के इक्वल है, तो ये बस 1.2 डिवाइडेड बाई में 10 के इक्वल होगा, विच इज 0.12 न्यूटन। इतना फोर्स बेसिकली एक्ट कर रहा है। 0.2 अगर सेकंड में देखा जाए तो फोर्थ पे है, दैट इज जो किससे मैच होगा, फोर्थ से मैच होगा। अगर ऐसे ही देखा जाए थर्ड वाला, 0.2 सेकंड्स द पावर डिसिपेटेड एज हीट इन वॉटर्स, तो एज हीट कितना पावर डिसिपेट होता है, बेसिकली रेजिस्टेंस के थ्रू होता है, आई स्क्वेयर आर कर दो। अब आई क्या है, आई यहाँ पे अगर आप देखते हो तो अगेन एप्सिलन है, तो यहाँ पे आई हम लोगों ने इनफैक्ट निकाला नहीं है, तो इसे बस एप्सिलन स्क्वेयर ओवर में आर कर देते हैं, दिस इज एप्सिलन स्क्वेयर ओवर में आर, तो ये आई स्क्वेयर ओवर आर, आई स्क्वेयर टाइम्स में आर के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे एप्सिलन स्क्वेयर है क्या, एप्सिलन अगर निकालते हैं तो दिस इज 1.2, 1.2 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई में 10, दिस इज 1.2 इंटू में 1.2 डिवाइडेड बाई में 10, तो ये बेसिकली आपका हो जाएगा 0.12, मतलब मल्टीप्लाई करने पे 0.144, मतलब 0.14 इसे वॉट लिखते हैं, तो पावर डिसिपेटेड एज हीट 0.14 वॉट के इक्वल होगा। यहाँ पे 0.14 देखें तो आर का आप बेसिकली 2 कर सकते हो, आर का आपका 2 हो जाएगा, क्यू का 4, के का 3, तो हमें ऑब्वियसली पता चलता है। अब यहाँ पे देखो दैट इज अ ट्विस्ट इन द क्वेश्चन, कि यूजुअली हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैचिंग वाले, एंड इसमें से मान लो आपको 4 बेसिकली स्टेटमेंट्स मैच करने, 4 ऑप्शंस मैच करने, तो यहाँ पे आपने 3 कर दिया, ऑलराइट, जो चौथा होगा वो क्लियरली जो रिमेनिंग वाला आपका लिस्ट सेकंड में होगा, कॉलम सेकंड में होगा, उससे मैच कर दोगे। बट दैट इज अ ट्विस्ट ओवर हियर, क्योंकि दिस इज एक्चुअली जे एडवांस्ड का,
कि लिस्ट सेकंड में 5 वैल्यूज गिवन थी, लिस्ट फर्स्ट में 4। कि ऐसा नहीं है कि आपने 3 बेसिकली मैच कर दिया एंड जो लिस्ट सेकंड में रिमेनिंग होगा उसका लिस्ट फर्स्ट में रिमेनिंग से मैच हो गया। अभी भी 2 ऑप्शंस गिवन है, मतलब लास्ट वाला सॉल्व करना है इंडीड। तो एस का बेसिकली है कि मैग्नीट्यूड ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द रॉड इन मीटर पर सेकंड इज। तो टर्मिनल वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड, तो ये नीचे घिरेगा। अब हमारी इक्वेशंस को इंडीड नहीं पता है कि नीचे ग्राउंड हो सकते हैं और वॉट एवर। सो इफ यू गो अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस एंड आपको पता नहीं है कि नीचे क्या कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, क्या ग्राउंड हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, तो आप तो बेसिकली यहाँ पे इनफाइनाइट के लिए सॉल्व करोगे। कि यहाँ पे बताया भी गया है कि ये बहुत ही लॉन्ग है, लॉन्ग का मतलब क्या है, यहाँ पे इनफाइनाइट मान लो, आप इनफाइनाइट के लिए सॉल्व करोगे। तो मैंने क्या किया, टाइम को इनफाइनाइट कर दिया। To find what I did time infinite ki equals infinite phase ki kitni velocity hogi, tab tak ye terminal velocity gain kar lega kyunki velocity exponentially vary kar rahi hai, tab tak terminal velocity gain karega. Ye infinite ho gaya matlab iski value exponential zero ho gaya, matlab ye terminal velocity kya hai 2 meter per second ke equal hai. To jo basically s aapka hamara dikh raha hai yahan pe, let's form brackets, एस दिख रहा है ये फिफ्थ ऑप्शन से मैच करता है। तो यहाँ पे P3, Q4, R2 एंड S5, तो अगर देखा जाए P3, Q4, R2 एंड S5 आपको ऑप्शन डी में मिलता है, मतलब हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने ऐसे सॉल्व किया, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आ गया। दिस वाज प्रीटी लॉन्ग क्वेश्चन अगर प्रीवियस क्वेश्चन से कंपेयर करें। नेवरदलेस वी मूव फॉरवर्ड विद अदर क्वेश्चंस। Alright, and now we are back once again. अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स काइंड ऑफ पिक अप अ पैराग्राफ क्वेश्चन। इस साल अगर आप देखते हो सेक्शन 4 में से कुछ पैराग्राफ क्वेश्चन आए थे, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे एक पैराग्राफ क्वेश्चन विल कंसिडर पैराग्राफ 1 कि S1 एंड S2 आर 2 आइडेंटिकल साउंड सोर्सेज ऑफ फ्रीक्वेंसी 656 हर्ट्ज़। The source S1 is located at O and S2 moves anti-clockwise with a uniform speed 4√2 meter per second on a circular path around O, as shown in the figure. तब यहाँ पे there are 3 points P, Q and R on this path such that P and R are diametrically opposite while Q is equidistant from them. A sound detector is placed at P. The source S1 can move in the direction OP. ठीक है, अलोंग डायरेक्शन ओपी। गिवन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 324 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन पहला जो है इस पैराग्राफ में, जो पहला क्वेश्चन है जिसे मैं वीडियो का दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे व्हेन S2 इज एमिटिंग साउंड एट एंड इज एट क्यू द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड मेजर्ड बाय द डिटेक्टर इन हर्ट्ज़। तो यहाँ पे पहले मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ। इट इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा एक सर्कुलर पाथ आपको मिलेगा, एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर पाथ है। फिर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक सेंटर पे आप पॉइंट ओ देख सकते हो, सेंटर पे पॉइंट ओ है। यहाँ पे आपका क्या रखा गया, एक साउंड का सोर्स S1 रखा गया। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद एक और साउंड का सोर्स है जो कि अलोंग दिस सर्कुलर पाथ मूव करता है। इस फिगर में इसे कुछ यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया एंड, लेकिन ऐसा पक्का नहीं है कि यहीं पे, इनफैक्ट ये मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एक पॉइंट आपको क्यू मिलेगा जो कि यहाँ पे है, एक पॉइंट आपको पी मिलेगा जो कि यहाँ पे, एंड एक पॉइंट आपको आर मिलेगा जो कि यहाँ पे है। ये काइंड का एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है, किसका, सोर्स S2 का। तब क्वेश्चन में क्या है कि जब सिर्फ S2 ये साउंड एमिट कर रहा है, साउंड वेव एमिट कर रहा है, एंड ये है कहाँ पे, जब ये सिर्फ यही एमिट कर रहे, S1 एमिट नहीं कर रहा, एंड ये है क्यू पे, तब जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड मेजर्ड है बाय द डिटेक्टर इन हर्ट्ज, डिटेक्टर को कहाँ पे रखा गया, डिटेक्टर को पॉइंट पी पे रखा गया, मतलब जब सिर्फ यही एमिट कर रहे, कहाँ से एमिट कर रहे, क्यू पे एमिट कर रहा है, एंड ये बेसिकली कांस्टेंट स्पीड से चलता है 4√2 मीटर पर सेकेंड। इसके कांस्टेंट स्पीड है जिससे एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है 4√2 मीटर पर सेकेंड जब इस पोजिशन पे होगा, एंड ये एमिट नहीं कर रहा है, तब यहाँ पे कितनी फ्रीक्वेंसी मेजर होगी। ऑल्सो गिवन कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी जिससे बेसिकली ये एमिट कर रहा है ये है 656 हर्ट्ज, तो हमारी हियरिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तब यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आप देखो जब ये पॉइंट क्यू पे होगा, जब ये पॉइंट क्यू पे होगा, ये मैंने कुछ ऐसे ड्रॉ किया, तब ये ऊपर जाएगा विथ 4√2 मीटर पर सेकेंड। हमारा पॉइंट पे कुछ ऐसा होगा, हमारा पॉइंट पे कुछ ऐसा होगा, ये पॉइंट क्यू हो जाएगा,
बेसिकली कभी भी आप डॉपलर शिफ्ट में, डॉपलर इफेक्ट में देखते हो कुछ चेंज इन फ्रीक्वेंसी आप आते हो, जो कि आपके ऑब्जर्व आप ऑब्जर्व कर रहे हो कोई चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि या तो वो सोर्स आपसे दूर जा रहे या फिर आपके पास आ रहे। अगर कहीं किसी दूसरे डायगनल या फिर किसी भी दूसरे एंगल पे भी मूव कर रहे, डॉपलर इफेक्ट सिर्फ इसी रीजन से आता है कि वो आपसे दूर जा रहे या फिर आपके पास आ रहे। मतलब जो वेलोसिटी उस सोर्स की होगी या फिर आपके ऑब्जर्वर की होगी, वो सिर्फ यही वेलोसिटी मैटर करती है कि किस वेलोसिटी से उसके पास जा रहे या फिर उससे दूर जा रहे। ये जब ये पॉइंट पे पे हम लोगों ने डिटेक्टर को रखा है, ये एक पॉइंट क्यू पे, तो ये ऊपर तो जा रहे 4 रोटो मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये ओवरऑल वेलोसिटी हमें मैटर नहीं करती है। मैटर क्या करती है कि किस वेलोसिटी से, अगर ये ऊपर 4 रोटो मीटर पर सेकेंड से जा रहे हैं तो किस वेलोसिटी से आपसे दूर जा रहे हैं। आपसे दूर जाएगा तो ऑब्वियसली इसे हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे मूव करना है। तो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री, क्यों 45 डिग्री? यहाँ पे ये देख सकते हो 90 डिग्री है, ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल, तो क्लियरली आप देख सकते हो P एंड Q से एक लाइन कनेक्ट करोगे तो ये 45 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल पे आएगी। ये एंगल क्या है? 45 डिग्री। तो आपको बस पता करनी है कि अगर ऊपर 4 रोटो मीटर पर सेकेंड, मुझे इसे कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है, एंड एक कंपोनेंट इसका है जो कि 45 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल पे होगा, एंड इस वेलोसिटी से ये जो पॉइंट P से दूर जा रहा है, तो ये वेलोसिटी क्या है? ये वेलोसिटी 4 रोटो मीटर पर सेकेंड है, मतलब ये 4 मीटर पर सेकेंड है। 4 रोटो cos 45 डिग्री, ये भी 45, ये भी 45, मतलब 4 मीटर पर सेकेंड से पॉइंट P Q पे होगा तो आपसे दूर जाएगा। 4 मीटर पर सेकेंड से दूर जाएगा, इसका क्लियर सा मतलब है हमें क्या निकालना है कि सिर्फ यही एमिट कर रहा होगा, तो साउंड की फ्रीक्वेंसी आप डिटेक्टर से क्या मेजर करोगे? तो दिस विल बी एफ नॉट, जिस फ्रीक्वेंसी से एमिट कर रहा है, टाइम्स में स्पीड ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय में स्पीड ऑफ साउंड। अब यहाँ पे माइनस प्लस का एक बेसिकली आता है कि आप माइनस रखोगे, एक कंफ्यूजन, माइनस रखोगे या फिर प्लस रखोगे। तो यू कैन अंडरस्टैंड इट दिस वे कि जब सोर्स खुद मूव कर रहा हो, जब आपसे दूर जा रहा हो, तो आप क्लियरली कम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करोगे, कम ऑब्जर्व करोगे तो डिनोमिनेटर मस्ट बी हायर, मतलब ये वी प्लस वी एस यहाँ पे हो जाएगा, वी प्लस वी एस होगा, वेर वी इज स्पीड ऑफ साउंड, वी एस किस स्पीड से आपसे दूर जा रहे, ये मेरा हो गया 356 हर्ट्ज, 656 इंटू में हो गया, स्पीड ऑफ साउंड बताई गई है 324 डिवाइडेड बाय में स्पीड ऑफ साउंड 324 प्लस में स्पीड ऑफ द सोर्स 4 मीटर पर सेकेंड से दूर जा रहा है, सो 328 आपका हो गया। यहाँ पे अगर इट इज 324 डिवाइडेड बाय में 328, इसको मल्टीप्लाई कर दो 656 से, तो आपकी समथिंग लाइक 648 हर्ट्ज आपको पता चल रहा है। तो यू विल फील दिस कि इतनी फ्रीक्वेंसी आपको ऑब्जर्व होगी जब आप डिटेक्टर पी पे प्लेस करोगे। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पे इसके इसी पैराग्राफ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही पैराग्राफ फिर से लिखा गया है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर बोथ सोर्सेज एमिटिंग साउंड व्हेन S2 इज एट R एंड S1 अप्रोचेस द डिटेक्टर विद अ स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, द बीट फ्रीक्वेंसी मेजर्ड बाय द डिटेक्टर इज। यहाँ पे कहा गया है कि अब बोथ सोर्सेज, मतलब S1 एंड S2 दोनों साउंड एमिट कर रहे हैं, एंड S2 को कहाँ पे हम लोगों ने रखा है? इसको R पे रख दिया। अब S2 यहाँ पे, S1 कहाँ है? S1 ऑब्वियसली इसी डायगोनल लाइन के अलोंग मूव कर सकते हैं, एंड S1 डिटेक्टर को अप्रोच कर रहे हैं, S1 डिटेक्टर को अप्रोच कर रहे हैं, मतलब S1 नीचे की डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस स्पीड से बताया गया है? 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। S2 R पे है, इस साइड मूव करेगा विथ वॉट एवर स्पीड 4 रोटो मीटर पर सेकेंड, S1 आपको अप्रोच कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? यहाँ पे क्वेश्चन है, इनकी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज नहीं, बीट फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होगी? तो बीट फ्रीक्वेंसी जस्ट डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे। पहले अगर S2 का देखो, बेसिकली S2 की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F0 ही होगी। F0 क्यों होगी? क्योंकि मैंने बताया क्या मैटर करता है कि S2 आपसे बेसिकली किस स्पीड से दूर जा रहे या फिर किस स्पीड से आपके पास आ रहे। यहाँ पे दूर जा रहे, पास नहीं आ रहे, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी। इस पॉइंट पे जब इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी तो ये आपसे दूर जा नहीं जा रहे, आपके पास नहीं आ रहे। जो लैटर इंस्टेंट्स ऑफ टाइम पे होंगे, बेसिकली इट इज कमिंग क्लोजर टू यू फॉर लैटर इंस्टेंट्स ऑफ टाइम, क्योंकि इसकी वेलोसिटी उस डायरेक्शन में होगी।
एट दिस वेरी इंस्टेंट इसके जो वेलोसिटी अलोंग दिस डायरेक्शन है वो तो क्लियरली जीरो है। जब अलोंग दिस डायरेक्शन वेलोसिटी जीरो होगा तो जिस फ्रीक्वेंसी पे ये एमिट कर रहा है उसी फ्रीक्वेंसी आप साउंड सुनोगे, मतलब एफ टू एफ नॉट के ही इक्वल है व्हिच आई एम कंसीडरिंग टू बी फ्रीक्वेंसी जिस पे एमिट करते हैं, व्हिच इज क्लियरली इक्वल टू 656 हर्ट्ज। अब बीट होगी कैसे, जो ही एस वन आपके पास आ रहा है विद स्पीड 4 मीटर पर सेकंड, तब एफ वन क्या होगा, एफ वन इस बार हो जाएगा एफ नॉट टाइम्स में स्पीड ऑफ साउंड ओवर में स्पीड ऑफ साउंड प्लस में। अब देखो आपके पास आ रहा है तो यहाँ पे इंडीड माइनस हो जाएगा, जब भी आपके पास कोई सोर्स आएगा तो आपको पता है कि आप बेसिकली ग्रेटर फ्रीक्वेंसी सुनोगे, यहाँ पे यू विल कंसिडर अ माइनस साइन ओवर हेयर बी माइनस में बी ऑफ सोर्स। तब आप रखोगे क्या पे 656 इंटू में स्पीड ऑफ साउंड बताई गई है एज 324 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई में 324 माइनस में किस स्पीड से आ रहे 4 मीटर पर सेकेंड से, सो माइनस में डिवाइडेड बाई में आपका 320 हो गया। अब यहाँ पे वी कैन कंसिडर दिस लिटिल कैलकुलेशन, आपको करना है 324 डिवाइडेड बाई में 320, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो विथ 656 एंड आपको 664.2 यहाँ पे मिल रहा है, दिस इज 664.2 हर्ट्ज। ये आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी सुनोगे ड्यू टू सोर्स S1, लेकिन हमें इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज नहीं बताने थे, हमें बताना है बीट फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ऑब्वियसली बीट दोनों के इंटरफेरेंस इन टाइम, टाइम में जब ये दोनों वेव्स, ये दोनों साउंड वेव्स इंटरफेयर करेंगे तब उसकी वजह से बीट्स प्रोड्यूस होते हैं। ये बीट प्रोड्यूस होंगे तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मॉड ऑफ एफ वन माइनस एफ टू या फिर मॉड ऑफ एफ टू माइनस एफ वन, तो यहाँ पे सीधे कर देते हैं एफ टू वन ज्यादा है एफ टू कम है, एफ वन माइनस एफ टू करो तो दिस इज 664.2 माइनस में 656.0 है, तो ये हो गया आपका 8.2 हर्ट्ज। दिस इज द बीट फ्रीक्वेंसी, ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी होगी जिसकी आप जिस फ्रीक्वेंसी से आपके टाइम में बीट्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। तो ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन आई गेस कंप्लीट होते हैं। तो वी हैव कंसिडर समथिंग लाइक 3 क्वेश्चंस इन दिस वीडियो एज वेल, एक प्रीवियस वाला क्वेश्चन ऑफ ईएमएफ एंड ऑल वो हम लोगों ने डीसी सर्किट्स का कंसिडर किया था, एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोगों ने कंसिडर किया एक पैराग्राफ जिसमें दो इंडिविजुअल क्वेश्चंस थे। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो ऑफ माइन एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।